नहीं, हमारा पूनम पंडित से बात हो गया, कोई शिकायत नहीं है। मैंने पूनम पंडित को भी समझा दिया, उनको भी समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़, और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त विकासशील भारत से राजवीर सोलंकी जी। कल जैसा कि आप सभी को पता है, पूनम पंडित के साथ में यहाँ पे कुछ थोड़ा सा तूतू मैमे की घटना हुई है। उसके लिए आज मैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ में BSF के रिटायर्ड कुछ जवान हैं जिन्होंने उस पर खेद जताया है कि वो जाने अनजाने में एक भूल थी, एक गलती थी। तो आइए उस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे इनसे कि आखिर वो मुद्दा क्या था और मामला क्या था, उसके पीछे क्या बात थी। सर, जिस तरह कल पूनम के साथ में थोड़ा तूतू मैमे हुई है आपके एक यहाँ के सिपाही के साथ में, वो घटना क्या थी, उसका आप बताएंगे उसके पीछे क्या था और कैसे हुआ? देखिए, मणिदेव चतुर्वेदी जी थे, हमारे संगठन के ही हैं जी, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं, और ऐसे तूतू मैमे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने क्या है कि वो कोई भी काम में लगे रहते हैं, 7 महीना से इधर हम हैं और लगातार ड्यूटी प्रॉपर करते हैं, डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं। अभी किसान मोर्चा के जो समिति है, उन्होंने उनको एक मैसेज दिया कि आप पूनम पंडित आई है, उनको बता दीजिए कि वो यहाँ पर नहीं आएगी। अच्छा, तो इसी बात को ले जाकर उन्होंने कन्वे कर दिया। तो ये बोला किसने था? समिति ने बोला था। समिति के किस बंदे ने? समिति सबके मतलब पूरी कमेटी ने बोला है उनको। अच्छा, पूरी कमेटी ने बोला कि आप जाइए, पूनम पंडित को मना कर दीजिए कि पूनम पंडित यहाँ बॉर्डर पे ना आया करें। बिल्कुल, तो ये बात हमको बाद में जानकारी लगी। पूनम पंडित का भी फोन आया था कि इसी तरह की बात आई और आप अध्यक्ष हैं तो आपका क्या कहना है। फिर मैं पूनम पंडित को भी समझाया, अपने जो हमारे बंदे हैं उनको भी बताया। इन्होंने बताया कि हमने उस भाव से नहीं किया, हमको जो उन्होंने मैसेज दिया था उसको जाकर के हमने सिर्फ कन्वे कर दिया, और ऐसे भी आइंदा हम इस तरह के कोई कन्वे नहीं करेंगे। इस बात को हमने भी उनके समिति के पास भी मैटर रखा कि ऐसा कोई नहीं है। देखिए, जो जब जागता है तभी सवेरा होता है, तो 25 को आया, 26 को आया, 28 को नहीं आया तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आंदोलन सबका है और सबको इसमें आना चाहिए। हमारे हिसाब से जो सत्य है, हम सत्य की तरफ ही रहेंगे। तो इस तरह से क्यों मतलब उसको रोका गया? और ये तो बंदे हमारे ने जो मतलब पूनम पंडित को आने से रोका गया था, रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया था? नहीं, आने से मना किया गया है। पूनम बता रहे थे रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया था। रजिस्ट्रेशन के लिए? रजिस्ट्रेशन कराइए आप, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं आ सकते यहाँ पर। नहीं, यहाँ आने के लिए किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है क्या? जो भी आ रहे हैं तो किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लगेगा या तंबू बढ़ेगा किसी का, उसका रजिस्ट्रेशन होगा तभी यहाँ पर मतलब वो बात हो सकता है, मतलब ओपिनियन हो सकता है, इस तरह का प्रचार रखा गया था कल। देखिए, वो जो भी रखे हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हैं, हमने उनसे आज पूछा था कि आपने किस बेस पर मतलब उसको बोला है, मना किया है जी। तो उन्होंने हमको यही बताया कि जो 26 तारीख को जो वहाँ पर घटना हुआ था, जैसे कि वहाँ चले गए थे जी, लाल किले पर, और उत्तराखंड का एक लड़का नवनीत था, वो भी था, तो उसमें ये भी गई थी और 3 और भी बंदे थे जी। इनको लेकर के वहाँ चले गए और उसके साथ जो है कि घटना घटित हो गया, तो इन्होंने साथ छोड़ करके भाग गए, जिसकी वजह से 4 महीना पहले भी इनको हमने मना कर दिया था कि आप लोग फिर यहाँ पर ना तो, लेकिन जो यहाँ की जो कमेटी है वो कमेटी डायरेक्टली पूनम पंडित को क्यों नहीं मना करती आपके? बिल्कुल, यही तो मैं बोला ना, सवाल है ना? नहीं, ये सवाल जरूर है, तो इसीलिए तो मैं हमारा बंदे से बोला कि चलो हमारे बंदे से गलती हो गया, लेकिन इस तरह के जो भी हो वो डायरेक्ट बताए। बिल्कुल, हमारा कोई भी बंदा इस तरह का मैसेज लेके नहीं जाएगा। जो सिक्योरिटी का है काम वो देखेगा, लेकिन किसी को मना करने का हमारा कोई काम नहीं होगा। इस तरह के जो भी काम होगा वो समिति खुद करेगी। सिक्योरिटी का इंचार्ज मणिदेव जी को किसने बनाया? समिति ने हमको बोला था कि आप कोई भी एक बंदा दीजिए। अच्छा। जो कि बढ़िया से यहाँ का सिक्योरिटी देख ले, हमने इसको बंदे को दे दिया था। अच्छा, सिक्योरिटी क्या देखते हैं? सिक्योरिटी के अंतर्गत क्या क्या आता, क्या क्या देखते हैं? सारा पूरा कैंप के अंदर जो भी कार्रवाई हो रही है सारा वो देख रहे थे, और सही प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा, ये छोटा सा शिकायत आया, इसमें भी उन्होंने कोई नहीं जानबूझे कोई गलती नहीं किया, उन्होंने मैसेज को कन्वे कर दिया। फिर मैं उनको समझाया कि आप कोई मैसेज नहीं कन्वे, इस तरह का कोई भी मैसेज होता है वो खुद जा करके बताएं, और आप जो है कि अगर जो जाते हैं तो आप साथ में चले जाइए, मैसेज वो कन्वे करेंगे। उन्होंने बात को मान लिया, हाँ चलिए हमारे को
से हो गए, हम इस तरह के कोई अभी नहीं करेंगे। सिक्योरिटी का भी होता है कि मोबाइल चोर होते हैं? हाँ सर, सिक्योरिटी कई प्रकार की है, पर्सनल सिक्योरिटी है, लगेज सिक्योरिटी है, जिसमें कि उनका हर एक जिम्मेवारी है, हर गेट पर उनका आदमी लगे हुए हैं, अपना आदमी लगाए हैं कि कौन आदमी आ रहा है, किसान है या कोई ऐसा बंदा है जो आकर हमारे बीच में कोई कुछ करके चला जाए, कोई यहाँ पर अनऑथराइज सामान रख करके चला जाए, भाई यहाँ से कोई अनऑथराइज सामान उठा कर किसी का मोबाइल हुआ, किसी का थैला हुआ, क्योंकि सभी का बिखरा हुआ है, तो कोई ऐसा बंदा न आ जाए जो कि यहाँ से चोरी करके चला जाए, और कोई ऐसा बंदा न आ जाए कि यहाँ पर दारू ले आकर के पिए, भाई यहाँ पर खाना अननेसेसरी खाए और डेली रोज आए और खाए और चले जाए, ऐसे भी कुछ तत्व हैं जो कि रूटीन बना कर रखे हुए हैं। तो हर चीज़ को देखते हुए हम किसान के यहाँ पर बंदे हैं, हमारे किसान हैं, गटर पर रोड पर पड़े हुए हैं, तो उनको मुहैया कराना है, न कि यहाँ के और लोगों को मुहैया कराना है कि कोई आकर के यहाँ पर हमारे बंदे को कोई लाश करके चला जाए और हमारे साथ मिल करके हमी को बदनाम करके चला जाए। चौरसिया जी का ट्राइपॉड चोरी हुआ था यहाँ से और लोगों मोबाइल चोरी, बहुत सारी शिकायतें आई है, तो सर इतनी हमारी सुरक्षा सरकार जैसे नहीं है कि हर कदम कदम पर पुलिस लगा दें। हमने एक आदमी को लगाए हुए हैं तो आप देख रहे हैं कि कितना दूर से फैला हुआ है, और एक फौजी बंदा जो लगा हुआ है वो कितना कंट्रोल करेगा, लेकिन फिर भी अपना दबदबा बनाया हुआ है कि हम यहाँ पर इंचार्ज हैं, यहाँ पर जो भी जाएगा वो हमारे से परमिशन कम से कम मेरे नॉलेज में होना चाहिए कि हम जानते हैं कि कौन बंदा जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है और कैसा बंदा है। जब से उसको चार्ज मिला तब से हर चीज संभाला हुआ है, पहले चार्ज भी नहीं था उसके पास, ऐसे ही चल रहा था, जब उनके कंट्रोल से बाहर हो गया, ज़्यादा सामान चोरी होने लगा था, इधर उधर जाने लगा, तब उन्होंने हमको दिया। और जो है कि बहुत ऐसे भी हुआ कि आ रहे थे नारे लगाते हुए, ग्लूस निकाल रहे थे तो सिविलियन पत्थर फेंक रहे थे, तो इन्होंने ये देखा कि नहीं हमारे बस का नहीं है, फिर उन्होंने हमारे को बोला कि आप अपने बंदों को दीजिए सिक्योरिटी के लिए, फिर हमने दिया था। तो अब पूनम पंडित से मतलब आपका पैचअप हो गया है? हाँ बिल्कुल, नहीं हमारा पूनम पंडित से बात हो गया, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, मैंने पूनम पंडित को भी समझा दिया, उनको भी समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। राजनाथ सिंह की भी नहीं सुनी जा रही है, क्या कहना इसके बारे? एकदम आप सही कह रहे हैं, देखिए राजनाथ सिंह की सुनी नहीं जा रही है, पूरा बीजेपी की नहीं सुनी जा रही है, ये जो है पूंजीपतियों की सरकार बनी हुई है, और जो है ये सरकार बनने से पहले मैं बता दूं कि जब प्राइम मिनिस्टर बनना था 2014 में, जब जीत कर बीजेपी आई थी, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर का कोई चेहरा नहीं था, तो उस समय जब चेहरा आया तो अटल बिहारी वाजपेयी, और मध्य प्रदेश से चौहान जी का आया था, चौहान जी का आया था, और राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे उनका था, नीतीश जी भी थे, और उसमें जो है मोदी साहब का भी चेहरा आ गया। अब वहाँ पर कैसे ये चमक गए, पूंजीपतियों द्वारा चमक गए, किसके द्वारा चमक गए? मोदी साहब को लाने वाले राजनाथ सिंह थे, शायद आपको याद हो कि मीटिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें सर्वसम्मति से लोग चाहते थे कि मोदी ना आए, लेकिन राजनाथ सिंह ने बोला कि नहीं, मोदी को हम आगे प्रमोट करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर के लिए, अध्यक्ष हुई थे, समझ गए? वो तो दिखावा है ना, वो तो दिखावा था सर, लेकिन मोदी को लाया गया इसलिए कि ये अगर मोदी जी नहीं आते तो बीजेपी वहीं पर टूट जानी थी, ठीक है, अगर मोदी जी आए इसलिए बीजेपी को उन्होंने चलाए, और बीजेपी को चलाने के लिए मोदी जी किसका सहारा लिए हैं? पूंजीपतियों का सहारा लिए हैं, जो उसी लिए आज 3 बिल बना करके चुपचाप, अगर वो पूरे जो बना दिए उसको पूरे बीजेपी वाले सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो उसको कैंसिल क्यों नहीं कर देते?